अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही थी करेले गोश्त, तो उसके लिए मैं करेले छीली थी। इसकी मैंने ना फुल रेसिपी डाल दी है यूट्यूब पे, अपने चैनल पे ही। तो इसके मैं छिलके पहले अलहदा करी थी, और ना मैं इन छिलकों का ना सालन बनाती होती हूँ, तो वो भी मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पे। तो ये बिल्कुल अच्छे से धो के ना इनको फिर नमक मसाला वगैरह लगा के इनको सूखने के लिए रख देती हूँ, तो ये बहुत मज़े का सालन मिलता है। तो साथ साथ फिर मैं बर्तन भी धो रही थी, जो जो यूज़ हुए थे ना, कि काम सिमट जाए, ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाए ना, फिर और भी बंदा मुश्किल में हो जाता है। तो बस मैं यहाँ पे बर्तन धो के भी फ्री हो चुकी थी, बस अब इसको नमक मसाला लगाना बाकी रह गया था, बस वही लगा रही थी। और आप क्या करते हैं, इन करेलों के छिलके का सालन बनाते हैं या इनको फेंक देते हैं, एक सालन बनाते हैं, तो किस तरीके से बताते हैं आप, वो ज़रूर शेयर करें। और यहाँ पे मैंने करेले कट किए थे, तो उसके ना ये कुछ बीज थे, वो पके पके बीज थे, और मैंने उसको छुरी से काटा ना करेलों को, तो ये बीज ना अंदर अंदर ही थे, तो ये ना आराम से निकल आए बड़े बड़े से। तो मैं अब इनको पौधों में लगा दूंगी। और यहाँ पे मैंने ना गोश्त बॉयल किया था, तो उसका जैसे मैंने सिंक में डाला ना गरम गरम पानी, और सिंक का पाइप नीचे से उतर गया, और मुझे फील हुआ कि गरम गरम कुछ मेरे पाँव पे लग रहा है नीचे से, तो देखा तो सारा पानी बाहर आ गया, और फिर मुझे और मुश्किल हुई दोबारा से, पानी को पहले निकाला, फिर दोबारा किचन में काम पर लग गई। पहले ये मुश्किल हो रहा होता है करेले को छीलना करना, थोड़ा मुश्किल सारा ना, लेकिन बनता बहुत मज़े का है। तो साथ में ये एक और काम आ गया कि पानी निकल आया सारा, और साथ में ये अभी सब्ज़ी वाला आया हुआ था, तो उससे टमाटर वगैरह ले रही है, सबल मिर्चें, क्योंकि करेलों में टमाटर तो पिटलते हैं, मज़े का सालन बनता है। और आजकल जो मैं सब्ज़ियाँ बना रही हूँ ना, उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा टमाटर डाल रही हूँ, ताकि बहुत टेस्टी सा बन जाए। और यहाँ पर मैं करेले गोश्त और प्याज भी डालते हैं हम लोग, तो बहुत मज़े का सालन बनता है। और ये जी फिर नेक्स्ट डे है, तो सफाइयाँ हैं, जुम्मे का दिन था, तो जुम्मे के लिए फिर घर को सारा साफ़ सुथरा किया, पोछे वगैरह लगाए, और ये जुम्मे के लिए मैं सूट इस्त्री कर रही थी हस्बैंड के लिए। तो फिर मैंने सारा व्लॉग बना लिया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। ये मैं वीडियो बनाने लग रही थी, तो मेरे से सही से इस्त्री नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दी। और ये साथ में शर्ट पैंट भी, नेक्स्ट डे ऑफिस जाना होता है, तो उसके लिए भी मैंने कहा एक ही बार मैं इस्त्री करी हूँ, तो इसको भी साथ ही कर लूँ। तो बस यही था दो दिन का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।